लव माई हेयर। ऐसी कौन लड़की है जो ये चीज़ नहीं चाहती या फिर अपने बालों के बारे में ये चीज़ नहीं सोचती। सबकी तमन्ना होती है कि बाल लंबे हों, लंबे हों, लंबे हों और दिन पे दिन लंबे हों और साथ ही साथ हेल्दी भी हों। तो आज का जो रेमेडी वीडियो है उसके थ्रू आप पा सकते हैं खूबसूरत और लंबे बाल। ये आपके बालों से इचिंग स्कैल्प प्रॉब्लम दूर करेगा, डैंड्रफ प्रॉब्लम दूर करेगा और आपको एक हेल्दी रूट से अच्छे बाल देगा। ये शर्त है मेरी, बहुत इजी है, ना ही कोई बर्तन गंदा होना है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा झंझट होनी है। बहुत ही सिंपल सा रेमेडी है, पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक करें। इस रेमेडी से आपके बालों में हफ्ते दर हफ्ते फ़र्क लगेगा। एक दिन में तो नहीं कुछ भी होता, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करें इसको, मैं बोल रही हूँ। मैंने इसके लिए लिया है एक शैम्पू पाउच। देखिए, दिखाने के लिए डव है क्योंकि मुझे डव पसंद है। नॉर्मल अगर हम पाउचेस यूज़ करते हैं तो, वरना आप जो भी शैम्पू यूज़ करती हैं उसको लीजिए, ओके। इसमें मैंने डव लिया है और अब हम इस शैम्पू पाउच के अलावा जो हम इसमें सेकेंड इन्ग्रीडियंट है वो है विटामिन ई कैप्सूल। हमें दो विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करने हैं वन टाइम शैम्पू में, ओके। उसके अलावा थर्ड इन्ग्रीडियंट है लेमन। लेमन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे हमारे इस इन्ग्रीडियंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडी। तो उसके लिए पहले कट कर लीजिए अपने शैम्पू के पाउच को, अगर आप वैसे लेती हैं तो बाउल में ले लीजिए। मेरे साथ ये रेमेडी मेरी एक फ्रेंड ने शेयर किया है, तो मैं उससे बोली कि आपके चरण कहाँ हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। वन टाइम मुझे इसका असर लगा था, नो इचिंग स्कैल्प एंड फ्रेश, बहुत ही मज़ेदार एक फीलिंग थी। तो अभी आपने क्या करना है कि इस पाउच में ही आपने अपने विटामिन ई के कैप्सूल्स जो हैं दोनों ऐड कर लेने हैं। और उसके बाद जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट था लेमन, जी हाँ, लेमन का ड्रॉप्स भी इसी में डालना है। पाउच को रखिए बंद करके और अच्छे से मिक्स करके बालों को वॉश कीजिए। मैं बोलूँगी कि आपको फर्स्ट वॉश में तो इचिंग प्रॉब्लम दूर हो ही जाएगा। जैसे गर्मी चल रही है ना, हम लोगों को कितना इचिंग स्कैल्प रहता है, लेकिन वो भी नहीं रहेगा। साथ में विटामिन ई कैप्सूल डाला है तो आपको नए रूट्स बनने में हेल्प करेगा, हेयर फॉल बंद होगा और आपको खुद से एक फीलिंग आएगी फ्रेश। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने बालों को वॉश करने के बाद एक मग्गे में लेमन का जूस निकाल के रखती थी, आधे से भी कम जो होता था उसमें पानी में दो नींबू निचोड़ के रखती थी, सारा हेयर वॉश करने के बाद उसको डाल देती थी ऊपर। मेरे बाल इतने शाइनी हुआ करते थे अपने टाइम में, अब तो नहीं टाइम मिलता है इन सब इंग्रेडिएंट को करने का। पता सब होता है लेकिन हम नहीं करते, पर आप ये करके देखिए, बहुत ईजी और अमेजिंग रेमेडी है। आई एम श्योर कि आपको फ़र्क लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे चैनल के नए और लेटेस्ट अपडेट आपको आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।